हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रविंद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन लोकोमोटिव्स के ऊपर जो तीन अक्षर लिखे रहते हैं उनको पढ़ के हम कैसे बता सकते हैं कि ये लोकोमोटिव हमारा डीसी लोकोमोटिव है कि एसी लोकोमोटिव है या फिर ये डीजल लोकोमोटिव है। साथ में ये लोकोमोटिव किस गॉज ट्रैक पर चलता है एंड इस लोकोमोटिव का मेन यूज़ पैसेंजर्स के लिए होता है या गुड्स के लिए होता है या मिक्स्ड होता है, दोनों के लिए होता है या शंटिंग के लिए होता है। साथ में हम लोग डीजल लोकोमोटिव, डीसी लोकोमोटिव एंड एसी लोकोमोटिव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ अर्ली लोकोमोटिव्स जैसे कि स्टीम लोकोमोटिव्स एंड न्यू लोकोमोटिव्स जैसे कि हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव्स में हम लोग बात करेंगे इंडियन लोकोमोटिव्स के ऊपर लिखे हुए फर्स्ट थ्री लेटर्स, जिससे हम उस लोकोमोटिव्स के बारे में सारी डिटेल्स को पता कर सकते हैं। वो लोकोमोटिव किस तरीके के जॉब के लिए यूज़ होता है एंड वो किस तरीके के गॉज पे चलता है एंड उस लोकोमोटिव का जो मोटिव पावर है, डीजल है, डीसी है या एसी है, ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव्स टॉपिक समझने के बाद हम लोग किसी भी लोकोमोटिव्स को देख के जान सकते हैं। सो फर्स्ट जो लेटर होता है किसी भी लोकोमोटिव्स में, फर्स्ट थ्री लेटर्स में से फर्स्ट जो लेटर होता है वो उसके गॉज टाइप को बताता है। जैसे कि अगर किसी लोकोमोटिव्स पे W लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर, तो वो लोकोमोटिव सिर्फ ब्रॉड गेज के लिए है एंड ब्रॉड गेज लाइंस पर ही चल सकता है। अगर उस लोकोमोटिव्स पे Y लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर, तो वो मीटर गॉज लाइन पर चलेगा एंड Z लिखा हुआ है तो वो 2 फीट 6 इंच नैरो गेज लाइन पे चलेगा। एंड N अगर फर्स्ट लेटर होता है तो N मतलब होगा नैरो गेज लाइन, जो 2 फीट की नैरो गेज लाइन है उसके लिए वो लोकोमोटिव डिज़ाइन किया गया है। नैरो गेज लाइन दो टाइप की होती हैं, एक 2 फीट 6 इंच एंड एक 2 फीट की। सो अगर Z लिखा है तो 2 फीट 6 इंच एंड अगर N लिखा है तो 2 फीट की नैरो लाइन के लिए वो लोकोमोटिव यूज होगा। किसी भी लोकोमोटिव में जो सेकंड लेटर होता है वो उसके मोटिव पावर के बारे में बताता है। सो अगर किसी भी लोकोमोटिव का सेकंड लेटर D है तो वो एक डीजल लोकोमोटिव है। अगर उसका सेकंड लेटर C लिखा हुआ है तो एक वो DC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। A लिखा हुआ है अगर सेकंड लेटर, तो वो एक AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। आज के समय में जितनी भी हमारी AC इलेक्ट्रिक लाइंस हैं उन पे जो लोकोमोटिव्स यूज होता है उनका सेकंड लेटर हमेशा A ही आपको मिलेगा। एंड जो पहले के समय में अर्ली पीरियड में जो हम लोग DC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को यूज़ करते थे, वो सभी लोकोमोटिव्स के ऊपर सेकंड लेटर C लिखा रहता था। आगे DC लोकोमोटिव्स में हम लोग कुछ लोकोमोटिव्स के बारे में जानेंगे जो अर्ली टाइम में यूज़ होते थे, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं कि आपको सेकंड लेटर C ही दिखेगा। एंड कुछ लोकोमोटिव जो हमारे इंडियन रेलवे में अभी डीजल लोकोमोटिव्स भी यूज़ होते हैं, क्योंकि ये डीजल लोकोमोटिव एक AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से ज़्यादा स्पीड पे ट्रेन को लेके जा सकते हैं, बट इनमें डीजल की खपत ज़्यादा होती है इसलिए इन लोकोमोटिव्स को कम यूज़ किया जाता है। बट अगर आपको किसी भी लोकोमोटिव पे D लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा आप एक डीजल लोकोमोटिव के ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरीके से किसी भी लोकोमोटिव का सेकंड लेटर से आप उस लोकोमोटिव के पावर टाइप के बारे में जान सकते हैं। किसी भी लोकोमोटिव में जो थर्ड लेटर होता है वो उसके जॉब टाइप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि G लोकोमोटिव अगर है तो गुड्स ट्रेन के लिए होता है एंड लास्ट लेटर P होता है तो पैसेंजर लोकोमोटिव होता है। अगर लास्ट लेटर M है तो एक मिक्स्ड लोकोमोटिव है जो गुड्स एंड पैसेंजर दोनों ट्रेन्स के लिए यूज़ हो सकता है। एंड अगर लास्ट लेटर S लिखा हुआ होता है सो एक शंटिंग लोकोमोटिव होता है। शंटिंग लोकोमोटिव का यूज़ तब किया जाता है जब कोई भी मालगाड़ी कुछ डिब्बों को एक स्टेशन पे छोड़ के उसको नेक्स्ट स्टेशन पे भी डिलीवरी करनी होती है।
सो कुछ डब्बों को एक स्टेशन पे छोड़ के चली जाती है। सो उस वक्त उस डिब्बों को लोडिंग एंड अनलोडिंग करने के लिए आगे पीछे करना पड़ता है। सो उस वक्त जो लोकोमोटिव्स का हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ही लो पावर की होती है, लो स्पीड की। सो उन लोकोमोटिव्स को हम लोग शंटिंग लोकोमोटिव कहते हैं। कई बार शंटिंग लोकोमोटिव पे फर्स्ट टू लेटर्स नहीं लिखे होते हैं, सिर्फ एस लिखा होता है। सो उससे भी आप जान सकते हैं कि वो एक शंटिंग लोकोमोटिव है। चलिए, तो जो हमने क्लासिफिकेशन किया उसके बेसिस पे हम अपने फोर इमेजेस के लोकोमोटिव्स के फर्स्ट थ्री लेटर्स को देख के बताते हैं कि ये हमारा किस टाइप का लोकोमोटिव है। सो फर्स्ट इमेज में WDP लिखा हुआ है, सो ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव पैसेंजर। सेकेंड इमेज में WAP लिखा हुआ है, सो एक ब्रॉड गेज AC लोकोमोटिव फॉर पैसेंजर। थर्ड इमेज में WAG लिखा हुआ है, सो ये एक ब्रॉड गेज AC लोकोमोटिव फॉर गुड्स ट्रेन। एंड फोर्थ इमेज में हमारा WAP लिखा हुआ है। सो WAP जैसे WSP7 है, उसी तरह WAP5 लोकोमोटिव में भी ब्रॉड गेज AC लोकोमोटिव फॉर पैसेंजर। इस तरीके से किसी भी लोकोमोटिव्स के फर्स्ट थ्री लेटर्स को देख के आप क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं। एंड एग्जाम में अगर गुड्स लोकोमोटिव के बारे में पूछते हैं तो आप पैसेंजर लोकोमोटिव को टिक मत करिएगा, एंड पैसेंजर लोकोमोटिव के बारे में पूछेंगे तो गुड्स लोकोमोटिव पे आप लोग टिक ना कर दीजिए। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डीजल लोकोमोटिव के बारे में। सो देखिए, डीजल लोकोमोटिव्स फोर टाइप्स का पॉसिबल है बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन जो हमने पीछे पढ़ा। कोई भी डीजल लोकोमोटिव फोर टाइप्स का हो सकता है, WDP, WDG, WDM एंड WDS। WDP मतलब वो डीजल लोकोमोटिव पैसेंजर के लिए, WDG मतलब वो लोकोमोटिव गुड्स ट्रेन के लिए है, एंड WDM मतलब वो डीजल लोकोमोटिव मिक्स्ड मतलब गुड्स एंड पैसेंजर दोनों ट्रेन के लिए है, एंड WDS का मतलब वो डीजल लोकोमोटिव शंटिंग के लिए यूज होगा। सो इस क्लासिफिकेशन के आधार पे हम लोग किसी भी डीजल लोकोमोटिव को हम बता देंगे। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि ये WDP सीरीज है, WDG सीरीज है, WDM या WDS, एंड इसका क्या यूज है ये लोकोमोटिव के हम लोग लिखावट को देख के बता सकते हैं, उसकी बनावट को देखकर नहीं बता सकते। सो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेगा। सो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो इंडिया के जो डीजल लोकोमोटिव्स को बनाने वाली कंपनियां हैं उनके बारे में है। सो जो इंडिया में डीजल लोकोमोटिव जो भी प्रेजेंट हैं वो टू अमेरिकन कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं। एक टाइप होता है एल्को टाइप लोकोमोटिव्स का, एंड दूसरा टाइप होता है ईडीएम टाइप लोकोमोटिव। जो एल्को टाइप लोकोमोटिव है ये इंडिया में पहले आया था और ये एक फोर स्ट्रोक इंजन पे काम करता है। फोर स्ट्रोक इंजन का मतलब होता है जब डीजल एक बार जलेगा तो उसका पिस्टन चार बार ऊपर नीचे होता है। इस तरीके से एल्को लोकोमोटिव जो है वो ज्यादा धुएं को क्रिएट करता है। इसमें जो स्मोक होता है वो ज्यादा होता है, एंड पॉल्यूशन को हमारा एल्को लोकोमोटिव ज्यादा करता है ईडीएम टाइप लोकोमोटिव के तुलना में। जो हमारा एल्को लोकोमोटिव है इसका माइलेज भी कम होता है, इसका माइलेज 300 मीटर होता है पर लीटर। एंड जो हमारा ईडीएम टाइप लोकोमोटिव है, जो इलेक्ट्रोमोटिव डीजल लोकोमोटिव जिसको बोलते हैं, वो टू स्ट्रोक इंजन है एंड वो लेस स्मोक करता है। फर्स्ट एंड सेकेंड इमेज में मैंने शो किया है, जो एल्को लोकोमोटिव है वो फर्स्ट इमेज में शो की है, एंड जो सेकेंड इमेज है वो ईडीएम टाइप लोकोमोटिव के बारे में है। ईडीएम टाइप लोकोमोटिव में जो ड्राइवर है वो सामने बैठा होता है, एंड जो हमारा एल्को टाइप लोकोमोटिव होता है उसमें ड्राइवर साइड की तरफ बैठा हुआ होता है। आप कभी भी जब साइड की तरफ ड्राइवर को देखेंगे तो आप जान जाइए कि वो एक एल्को लोकोमोटिव है, एंड अगर सामने वो ड्राइवर बैठा हुआ है सो वो ईडीएम कंपनी के द्वारा वो बनाया हुआ लोकोमोटिव है। ईडीएम लोकोमोटिव का जो माइलेज है वो 400 मीटर पर लीटर है, एंड ये लोकोमोटिव ज़्यादा बेहतर है एल्को की तुलना में। भारत सरकार ने दोनों कंपनियों को एक साथ टेंडर दिया था, बट ईडीएम ने पहले उस टेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया। सो स्टार्टिंग में इंडिया में एल्को लोकोमोटिव्स ही बने, एंड बाद में ईडीएम कंपनी जो है वो इंडिया में आ गई, एंड अब जितने भी हमारे लोकोमोटिव्स हैं डीजल
आज के समय में ईडीएम लोकोमोटिव्स ही यूज होते हैं, एल्को लोकोमोटिव्स को अब रिप्लेस किया जा रहा है कम्प्लीटली, बट धीरे धीरे इनकी जो क्वांटिटी है वो घटाई जा रही है, बट सारे तरीके से इनको अभी रिप्लेस नहीं किया गया है। सो अभी भी एल्को एंड ईडीएम दोनों लोकोमोटिव आपको इंडियन रेलवे में मिल जाएंगे। इंडियन रेलवे का जो फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव है जो WDS1 में आप देख भी सकते हैं, W मतलब ब्रॉड गेज, D मतलब डीजल एंड S मतलब शंटिंग लोकोमोटिव। सो इंडिया का जो फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव था वो एक शंटिंग लोकोमोटिव था और इसको जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था 1944 में। एंड WDM1 जो लोकोमोटिव है ये एक मिक्स्ड लोकोमोटिव था गुड्स एंड पैसेंजर दोनों ट्रेन के लिए। सो WDM हमारा पहला पैसेंजर या गुड्स लोकोमोटिव है जो डीजल पे बेस्ड है, जिसको नेशनल रेल म्यूजियम में दिल्ली में रख दिया गया है। एंड WDM हमारा इंडिया का पहला पैसेंजर के लिए लोकोमोटिव पूछे या फर्स्ट डीजल गुड्स ट्रेन के लिए लोकोमोटिव पूछे तो WDM1 होगा। एंड अगर इंडिया का पहला डीजल लोकोमोटिव पूछा जाए तो वो WDS1 होगा। सो ये शंटिंग लोकोमोटिव जो है वो इंडिया का पहला डीजल लोकोमोटिव था। चलिए आई होप ये सारी पॉइंट आपको डीजल लोकोमोटिव के बारे में समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर डीसी लोकोमोटिव्स के बारे में। चलिए तो डीसी लोकोमोटिव से हम लोग बात करते हैं WCP1 के बारे में। इंडिया की जो फर्स्ट डीसी इलेक्ट्रिक ट्रेन थी इसके लोकोमोटिव का डिज़ाइन किसने किया था एंड लोकमान्य WCM5 लोकोमोटिव के बारे में। इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा WCP1 लोकोमोटिव। सो WCP1 लोकोमोटिव इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में सबसे पहली बार किसी बाहरी कंपनी ने इंडिया के लिए किसी डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को डिज़ाइन किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारी इंडियन रेलवे थी उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। सो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के लिए सबसे पहले 1928 में स्विस लोकोमोटिव मशीन ने इंडिया के लिए फर्स्ट डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को डिज़ाइन किया था। इसके पहले जो हमारा डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फर्स्ट डीसी इलेक्ट्रिक ट्रेन जो हमारी 1925 में चली थी CS-72 कुल्ला उसमें यूज़ हुआ था, बट उसका एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ही उसको बनाया था कैमल लेयर्ड ने। एंड वो लोकोमोटिव उतना स्ट्रांग नहीं था इसलिए जो हमारा CS-72 कुल्ला की ट्रेन थी उसके लोकोमोटिव को फर्स्ट डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बिल्ड फॉर इंडिया WCP1 से रिप्लेस कर दिया गया था। जो WCP1 है ये डेक्कन क्वीन ट्रेन में यूज़ होता था। डेक्कन क्वीन ट्रेन के बारे में मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है। डेक्कन क्वीन ट्रेन 1930 में चली थी एंड CS-72 पुणे ये ट्रेन चलती थी। चले नेक्स्ट पॉइंट है लोकमान्य WCM5 लोकोमोटिव के बारे में। लोकमान्य WCM5 लोकोमोटिव जो है वो एक इंडियन कंपनी के द्वारा बनाया गया था CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप जो वेस्ट बंगाल में है। इसने इंडिया के लिए सबसे पहले डीसी लोकोमोटिव को इंडियन रेलवे जो इंडिपेंडेंस के बाद रेलवे का नाम था इंडियन रेलवे उसके लिए लोकमान्य WCM लोकोमोटिव को बनाया था। ये लोकोमोटिव डेक्कन क्वीन ट्रेन में यूज़ होता था जैसे कि WCP1 भी डेक्कन क्वीन ट्रेन के लिए ही बनाया गया था। उसी तरह WCM5 लोकमान्य लोकोमोटिव भी डेक्कन क्वीन ट्रेन के लिए ही चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप ने बनाया था। ये लोकोमोटिव लोकमान्य लोकोमोटिव आज के समय में कोलकाता रेल म्यूजियम में रखा हुआ है। इस लोकोमोटिव का यूज़ इंडियन रेलवे 1990 तक करती थी, उसके बाद इस लोकोमोटिव को रिटायर कर दिया गया है। एंड इसके बाद जो हमारी सारी लाइंस हैं वो एसी हो चुकी हैं इसलिए अभी सभी जो हमारे लोकोमोटिव्स यूज़ होते हैं इंडिया में वो सारे एसी लोकोमोटिव्स यूज़ होते हैं। कोई भी डीसी लोकोमोटिव इस वक्त इंडिया में यूज़ नहीं होता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर एसी लोकोमोटिव्स के बारे में जानते हैं।
चले तो एसी लोकोमोटिव्स में हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बेसिस पे फोर टाइप्स के लोकोमोटिव्स के बारे में, WAM1 लोकोमोटिव के बारे में, WAP1 लोकोमोटिव के बारे में, एंड वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव जो इस वक्त इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है WAG12B के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन 4 एसी लोकोमोटिव्स हमारे इंडिया में यूज होते हैं, WAP, WAG, WAM एंड WAU। सो WAP पैसेंजर के लिए, WAG गुड्स के लिए एंड WAM मिक्स्ड गुड्स एंड पैसेंजर दोनों के लिए, एंड WAU यूटिलिटी, इन सभी लोकोमोटिव्स का यूज इंडिया में होता है। WAM लोकोमोटिव इंडिया के लिए सबसे पहला फर्स्ट AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव माना जाता है जो किसी बाहरी कंपनी के द्वारा इंडिया के लिए बनाया गया था। ये लोकोमोटिव गुड्स एंड पैसेंजर दोनों के लिए था। सो 1959 में 50 साइकिल्स यूरोपियन ग्रुप ने, जो जर्मनी की एक कंपनी है, इसने इंडिया के लिए पहला गुड्स एंड पैसेंजर मिक्स्ड लोकोमोटिव बनाया था। अगर बात करें कि ऐसी कौन सी लोकोमोटिव है जो इंडियन कंपनी के द्वारा सबसे पहले बनाई गई थी, सो वो सीरीज है WAP1। WAP सीरीज जो है वो CLW के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में। CLW ने ही इंडिया का फर्स्ट DC लोकोमोटिव भी बनाया है 1961 में, जो हमने पीछे बात की। उसी तरह इंडिया का फर्स्ट AC लोकोमोटिव भी चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप ने ही बनाया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारी, वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव WAG12B के बारे में। WAG12B का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री माधेपुरा बिहार में किया गया है। 2019 में WAG12B का फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस हुआ था, एंड इस यूनिट को फ्रेंच कंपनी एस्ट्रॉम के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इस यूनिट के बनने के बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री को 800 WAG12B लोकोमोटिव्स बनाने का ऑर्डर मिला है 2030 तक, एंड ये सभी लोकोमोटिव्स इंडिया के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए ही यूज होंगे, इसलिए DFCCIL एग्जाम के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट भी है। इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। चले AC लोकोमोटिव से रिलेटेड सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर और जानते हैं स्टीम एंड हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स के बारे में। चलिए इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड एंड इंडिया के सबसे अर्लीस्ट लोकोमोटिव स्टीम लोकोमोटिव्स के बारे में, एंड न्यू टेक्नोलॉजी लोकोमोटिव हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स के बारे में। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जो सबसे पहली इंडस्ट्रियल ट्रेन चलाई गई थी वो 1837 में चलाई गई थी। ये ट्रेन रेड हिल से चिंता ड्राइपेड ब्रिज तक मद्रास में चलती थी। जब उस वक्त मद्रास स्टेट हुआ करता था, उस वक्त चिंता ड्राइपेड ब्रिज एंड रेड हिल्स के बीच में ये ट्रेन चलती थी। ये ट्रेन एक इंडस्ट्रियल ट्रेन थी और ये लेटराइट स्टोन को रोड बिल्डिंग के लिए ढोती थी। ये एक मालगाड़ी थी, सो ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करती थी हमारे फ्रेट को। इस ट्रेन को इंडिया की फर्स्ट ट्रेन माना जाता है, और 1853 की जो ट्रेन है उस ट्रेन को इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन मानते हैं। कई बार इंडिया की फर्स्ट ट्रेन के बारे में जब पूछा जाता है तो उसमें सिर्फ ऑप्शन पैसेंजर ट्रेन का ही होता है 1853 का, बट कई बार 1837 की ट्रेन को कंसिडर किया जाता है। 1837 की जो ट्रेन थी वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा नहीं चलाई गई थी, इसलिए इस ट्रेन को कई बार फर्स्ट इंडियन ट्रेन भी नहीं कंसिडर करते हैं। जब भी आपका ऑप्शन होगा तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही आपको देगा, दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं देगा। चले तो बात करते हैं जो हमारे रेड हिल से चिंता डायपर ब्रिज पे जो ट्रेन चल रही थी, इसके लोकोमोटिव को किसने डिजाइन किया था। विलियम एवरी इंजीनियर जो थे, इन्होंने इस पहली ट्रेन के लोकोमोटिव को डिजाइन किया था। अगर बात करें इस पूरे रेलवे की, इस पूरे ट्रेन को किसने डिजाइन किया था लोकोमोटिव्स के डिजाइन के साथ, लोकोमोटिव को तो विलियम एवरी ने डिजाइन किया था, बट पूरी ट्रेन जो हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रही थी उसको डिजाइन किया था आर्थर कॉटन ने।
आर्थर कॉटन ने इस ट्रेन को ऐसे डिजाइन किया था कि लेटराइट स्टोन को लेके जा सके। इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड वर्ल्ड में अगर बात करें सबसे पहले स्टीम लोकोमोटिव को, तो सबसे पहला स्टीम लोकोमोटिव जेम्स वॉट ने डिजाइन किया है एंड इसका कमर्शियल यूज थॉमस सेवरी ने किया था। जिस तरीके से विलियम एवरी ने डिजाइन किया था इंडिया के फर्स्ट लोकोमोटिव को एंड उसका कमर्शियल यूज किया था आर्थर कॉटन ने, सेम उसी तरह जेम्स वॉट ने उस लोकोमोटिव को डिजाइन किया था वर्ल्ड के फर्स्ट लोकोमोटिव को एंड उसका कमर्शियल यूज थॉमस सेवरी ने किया था। चले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव बिल्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले किस स्टीम लोकोमोटिव को इंडियन कंपनी के द्वारा बनाया गया था? सो F734 लोकोमोटिव जो है वो अजमेर वर्कशॉप के द्वारा 1895 में बनाया गया है एंड ये लोकोमोटिव इस वक्त नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली में रखा हुआ है। इस लोकोमोटिव के बारे में आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इंडिया का फर्स्ट लोकोमोटिव जो इंडियन कंपनी के द्वारा बनाया गया वो है F734 एंड इंडिया में सबसे पहला यूज्ड लोकोमोटिव जो यूज हुआ था वो लोकोमोटिव डिजाइन था विलियम एवरी के द्वारा। चलिए आई होप यह पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट है हमारे हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। सो इस वक्त जो हमारे वर्ल्ड में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लोकोमोटिव है वो है हाइड्रोजन लोकोमोटिव। हाइड्रोजन लोकोमोटिव की जो ट्रेन है वो है कोरा डिया इलिंट। ये ट्रेन एल्मस्टॉम जर्मनी के द्वारा बनाई गई है। 2016 में इस लोकोमोटिव को बनाया गया है हाइड्रोजन लोकोमोटिव को एंड 2018 से इसका कमर्शियल यूज हो रहा है। ये लोकोमोटिव की जो खासियत है वो है ये सिर्फ एक कंडेंस्ड वाटर के स्टीम को छोड़ती है, ये हाइड्रोजन को वाटर में बदल देती है एंड इससे कोई भी नॉइस नहीं होती एंड ये जितनी भी डीजल ट्रेन है उनके जितना ही एंड उससे ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर सकती है। ये उतनी स्पीड को भी पकड़ सकती है जितनी डीजल ट्रेन हमारी स्पीड को पकड़ती हैं। सो कोरोडिया इलिंट वर्ल्ड की सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में और इसको एक जर्मनी की कंपनी एल्मस्टॉम में बनाया है। आई होप ये दोनों स्टीम एंड हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स के बारे में आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना के उसको याद रखेंगे। इस लेक्चर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।